हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब मुझे अब मैं ऐसे बेड में ऐसे बैठ के शर्म आ रही है ऐसे वीडियो बनाते हुए, बट मुझसे ऐसे ज़्यादा चेयर वगैरह पे ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा है। मतलब पैर ऐसे मैं वेट नहीं डाल पा रहा हूँ पैर पे ना। 10 दिन पहले मैं मतलब भागते हुए गिर गया था, और भाई इतना ऐसा फुद्दू, मतलब कैसे बोलूँ, इतना कुछ सेशन भी नहीं करना था यार। हमारा 21 को स्टेट गेम्स का कंपटीशन था रुद्रपुर में, मतलब देहरादून से 5 घंटे दूर है वो एक्चुअली। तो बस मतलब हमारी ट्रेनिंग तो कब से मैं कर ही रहा था, तो बस लास्ट वीक ज़्यादा पुश नहीं करते, थोड़ा बॉडी को डीलोड करते हैं ऐसे ना। तो मंडे हमने सेशन करा था ठीक ठाक अच्छा, तो फिर आई थिंक फ्राइडे सैटरडे को थी रेस ना। मैंने यश को बोला कि जो मेरे साथ भक्त है, कि भाई वेंसडे को चलेंगे एक बार ब्लॉक्स का वो देख लेंगे। मुझे बस थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही थी मैं किस कौन से नंबर पे सेट करूँ ब्लॉक ना, कौन सी डिग्री पे और कौन से नंबर पे। तो मैंने कहा एक बार कंफर्टेबल हो जाऊँगा एक दो स्टार्ट लेके, उसके बाद मतलब रेस में मतलब फिक्स रहेगा कि हाँ भाई ये करना है, वहाँ जाके कुछ ऐसे कन्फ्यूजन ना हो बेसिकली। तो उसने कहा ठीक है भाई चलते हैं। उसका तो सेशन भी नहीं था, उसने थोड़ी बहुत ABC करी, मैंने उसके साथ ABC करी। मैंने कहा भाई स्टार्ट लेता हूँ, बस पीछे पैर लगा ले। तो वही कर रहे थे, बस एक लिया, दो लिया, तीसरा। मैंने कहा चलो लास्ट लेते हैं बस, और उसके बाद घर चलते हैं। तो भाई मतलब लिया इतना कोई तेज़ भी नहीं है, डीएक्सलेट, बारिश हो रही थी, डीएक्सलेट कर रहा था। पता नहीं मेरा वो ट्रैक भी पुराना हो चुका है काफ़ी वैसे ना, तो पता नहीं क्या हुआ, मेरा स्पाइक फंसा कैसे हुआ। मतलब मेरा पूरा ऐसे ना, ये वाला एंकल जैसे ऐसे है ना, ये कैसे बोलूँ, ऐसे हो गया ऐसे, और मैं गिर गया। और मतलब मैं ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कर गया, मुझे लगा भाई हो गया। और ऐसा ब्लैकआउट ना मैं 4 साल पहले कर रहा था, जब मेरा हिप फ्लेक्सर टीयर हुआ था, तो मैं समझ गया था कि कुछ बड़ा हुआ है ऐसे ना, नॉर्मल मोच नहीं है। तो मतलब मैं 5-7 मिनट तो लेटा ही रहा, वो आया, उसने पानी वानी पिलाया ऐसे। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी उस खड़े भी होने की ना, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे बेहोश सा हो रहा था, ब्लैकआउट हो रहा था, मुझे चक्कर आ रहे थे। तो फिर मतलब मैं उठा, मैंने पैर रखा, तो तब रखा जा रहा था, तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, अब हड्डी नहीं टूटी, क्योंकि अब इतनी इतनी इंजरी हो चुकी है ना मुझे लाइफ में, तो मुझे पता है होता है कि क्या टूटा है और क्या नहीं टूटा है। मैंने वो स्पाइक्स वगैरह उतारे, दूसरे जूते पहने, मतलब हाथ में बैग लेके भी मैं गाड़ी तक गया, गाड़ी चला के भी मैं घर आया। बट जब रास्ते में आ रहा था ना, उसने कहा भाई, कि तब तो यार एड्रेनलिन भी रहता है और तब इंजरी का इतना वो पता नहीं लगता। मुझे पता था कि कुछ बड़ा हुआ है, बट आई थॉट क्या पता है, क्योंकि एक दिन बाद थी रेस ना। मतलब मैंने कहा क्या पता है यार, अभी ठीक हो जाऊँगा, परसों जाके रेस भाग लूँगा। और मतलब मेरे बहुत चांसेस थे कि मैं उस रेस में मेरा गोल्ड या सिल्वर आए। मैं बहुत वो भी था यार एक्साइटेड, क्योंकि मेरा पूरा साल ऑलमोस्ट मैंने मतलब इतनी बार ट्रेन करा, कुछ ना कुछ एंड में ना कुछ ना कुछ हो जा रहा है। मतलब मैं बीमार भी नहीं पड़ता, एक दिन पहले बीमार हो गया बस, एक दिन के लिए लास्ट बार, इससे पहले वाले कॉम्पिटिशन में बस एक दिन के लिए 101 फीवर में मैं भागा वो रेस। तो मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब ना हो क्या रहा है। तो फिर मतलब जब मैं घर आ रहा था, तो उसने यश ने बोला कि भाई तेरे पैर को क्या हो रहा है। तो मेरा पैर ना, अगर मेरे पास फ़ोटो है, मतलब अगर मैं डालूँ इस ब्लॉग में, इतना बड़ा सूज गया मेरा पैर। मैंने कहा यार ये तो एक दिन में ठीक नहीं होगा। फिर मैं घर आया और मैं सो गया मैं और वही होता है, मैं सो गया, मैं उठा भाई, मेरा मतलब मुझसे पैर ना रखा, मतलब लिए वाला पैर इतना भी प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि मैं एक उंगली भी रख सकूँ फर्श पे ना, मतलब फ्लोर पे। मतलब गंदा दर्द, और मतलब यार मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये बैठे बिठाए मतलब कुछ ऐसा, मैं मतलब रोज़ भागता हूँ, ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं हो कि भागते हुए गिर गया, डीएक्सलरेट रुकते हुए, मतलब यार बहुत अजीब सा हुआ, मतलब समझ नहीं आया मुझे। बट ठीक है यार, ऐसे जो भगवान करता है, मैं मानता हूँ अच्छे के लिए करता है, क्या पता कुछ, मतलब मैं मानता हूँ कि कुछ बड़ा टल गया, बट मैं भी टल रह गया यार। क्या कर रहा हूँ हील होने के लिए, मैं मतलब मैं कैल्शियम ले रहा हूँ अभी, मैं अराउंड 500 mg, और कैल्शियम में सिट्रेट मैलेट ले रहा हूँ। तो दो तीन टाइप के कैल्शियम के फॉर्म्स आते हैं। तो एक कैल्शियम जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, कैल्शियम कार्बोनेट है वो। तो कैल्शियम कार्बोनेट इज़ बेसिकली चौक, जो चौक नहीं होती स्कूल में, नॉट अ नाइस फॉर्म, अब्जॉर्ब नहीं होता ढंग से। फिर मील उसके लिए, मतलब ऐसे मील भी, एसिडिक मीडियम भी चाहिए। सिट्रेट मैलेट जो आता है, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट, CCM कहते हैं, केमिस्ट में मिलता है, इज़ अ बेटर फॉर्म। तो उससे मतलब अब्जॉर्प्शन ज़्यादा, उसे एसिडिक मीडियम भी नहीं चाहिए, वो खाली पेट आप खा सकते हो, तो उसे खा रहा हूँ। फिर विटामिन D3 ले रहा हूँ कि भाई अब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब उसमें K2 भी है, K2 और D3 का एक मिक्स है, तो वो ले रहा हूँ।
K2 मतलब बेसिकली जैसे कैल्शियम हमने खाया तो कैल्शियम को हम नहीं पता कि बोन्स की तरफ जाना है ब्लड की तरफ जाना है, K2 डायरेक्ट करता है बोन्स की तरफ। कोलाजन टाइप 2 खा रहा हूँ, कोलाजन भी 1, 2, 3 होते हैं ऐसे यूजली। हम बता देता हूँ, मेरा लिगामेंट टेयर हो गया है पैर का ना, तो एंकल की साइड, तो उसे रिपेयर करने के लिए कोलाजन हेल्प कर रहा है। मतलब मैं खा रहा हूँ तो मुझे एक एक दिन में थोड़ा डिफरेंस लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा प्रेशर डाल पा रहा हूँ और हाँ मैं थोड़ा लंगड़ा लंगड़ा के चल पा रहा हूँ। तो फिर मतलब मुझे कल मैं जिम भी गया था, मेरा फ्रेंड मुझे लेके गया था। गाड़ी भी मैं ऐसे चला लूँगा क्योंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो राइट पैर से चलती है वो, लेफ्ट का कुछ ऐसे रोल नहीं, बट उतरने चढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बेसिक नीड्स मतलब बेसिक चीज़ों में ना, नहाने में, वॉशरूम यूज़ करने में, इन चीज़ों में ऐसे प्रॉब्लम मतलब लाइफ में कभी ऐसे हुई नहीं कि यार, मतलब मेरा हिप फ्लेक्सर भी टेयर हुआ है बट ऐसा नहीं होता कि मैं चल ही नहीं पा रहा। इस ये थोड़ा न्यू इंजरी, मतलब अब मेरा सब कुछ टूट चुका है, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा हिप फ्लेक्सर, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक मैं हर जगह से, मैं मेरी QL टेयर हो रखा है। QL मतलब डीप मसल होती है बैक की ना, एक लोअर बैक के करीब राइट SI जॉइंट में मेरे इम्पिंजमेंट है। तो हर जगह से बैलेंस बना हुआ है। बट ठीक है यार, मतलब मैं बहुत ओवर ट्रेन भी करता हूँ तो होगा ही वो। और हाँ मैग्नीशियम खा रहा हूँ, पहले भी बताया था बट फिर भी बता देता हूँ, जितना बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम के बेनिफिट्स हैं उतने ही मैग्नीशियम के बेनिफिट्स भी हैं। दोनों का सप्लीमेंटेशन बहुत अच्छा बैलेंस है, एक दोनों को अपोजिट टाइम्स में लेते हैं, कैल्शियम अर्ली इन द मॉर्निंग, मैग्नीशियम एट बेड टाइम, क्योंकि एक दूसरे का जो उनका अब्जॉर्प्शन पाथवे काफ़ी सिमिलर है तो दोनों अब्जॉर्ब नहीं होने देते एक दूसरे को, तो फाइट करते हैं अब्जॉर्प्शन के लिए, तो अलग अलग टाइम पे लो बेस्ट। मैंने सोचा था कि यहाँ कम्पीट करूँगा, मेडल मारूँगा, घर आऊँगा, S1000RR जो BMW की बाइक थी वो बुक करने जा रहा था मैं चंडीगढ़ में शोरूम में, यहाँ पर है नहीं देहरादून में, जो BMW मोटर आर्ड है, कार वाला तो है बट बाइक वाला नहीं है। तो आई थॉट मेरी बात हो गई थी उनसे, सोचा जाऊँगा बुक करूँगा, ब्लॉग बनाऊँगा, फिर थोड़े दिन बाद जाऊँगा डिलीवरी लेने ना, सब होल्ड पे, अभी वो चला ही नहीं जा रहा, गियर का मत दूंगा। मतलब प्रेशर ही नहीं डाल पा रहा हूँ घर पर, तो देखते हैं अब जब ये ठीक होता है 1 महीने बाद। और ये नई 5-डोर थार आ रही है, एक वो ले रहा हूँ मैं, अवतार का नया परफॉर्मेंस वे लॉन्च हुआ था तो मैंने सोचा यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें अभी दोबारा, पहले तो सिर्फ एक दिन के लिए आया था कि अपना नाम जैसे यहाँ सहज लिखा है तो कि अपना नाम कस्टमाइज़ करा सकते हैं, बट आई थिंक दोबारा 27 सितंबर को दोबारा आ रहा है कि इफ़ यू ऑर्डर अगेन देर इज़ एन ऑप्शन टू पर्सनलाइज, तो अपना नाम आप लिखा सकते हो, गिव्स अ पर्सनल टच, अच्छा लगता है, मतलब कूल लग रहा है सहज लिखा हुआ ऐसे ना। तो ये इसमें और इसमें डिफरेंस बता देता हूँ मैं, दिस इज़ ये परफॉर्मेंस वे, ये कॉन्सेंट्रेट है बेसिकली, एंड आइसोरेज जो इनका है ये आइसोलेट है, दिस इज़ प्योर आइसोलेट एंड दिस इज़ प्योर कॉन्सेंट्रेट। दोनों में डिफरेंस ये है कि कॉन्सेंट्रेट मतलब जो स्टडीज़ हैं ऐसे, तो यार मतलब देर इज़ नो डिफरेंस इन, ऐसे मैं बोलूँगा कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस में ऐसे कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं दो ग्रुप को लेके ना, एक को आइसोलेट दिया, एक कॉन्सेंट्रेट दिया सेम अमाउंट ऑफ कार्ब्स के साथ, तो दोनों का मतलब ऐसे कोई मसल प्रोटीन सिंथेसिस में देर वॉज नो ऐसे सिग्निफिकेंट या डिफरेंस ना कि जो मार्क कर सकें, तो ऐसा कोई नहीं है। बट द मतलब मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस कम्स इन कि बेसिकली द क्वालिटी, उसकी फिल्ट्रेशन, उसका जो प्रोसेसिंग है मतलब आइसोलेट की इज़ बेटर। कॉन्सेंट्रेट जैसे प्रोसेस होता है उसके एक और बाद आइसोलेट प्रोसेस होता है, दिस वन मोर कैसे बोलूँ साइकिल ऑफ प्रोसेसिंग, तो उसमें बेसिकली लैक्टोज को पूरा कम्प्लीटली एनिमिनेट कर देते हैं। ये आइसोलेशन में 0 ग्राम शुगर है, तो जो बेसिकली जो मिल्क, क्योंकि बना तो मिल्क से, तो मिल्क का जो शुगर होता है इज़ लैक्टोज, तो वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो चुका है। तो जिन लोगों को ऐसे प्रॉब्लम होती है ना अब्जॉर्प्शन ऑफ वे में, जैसे बहुत लोगों को अब्जॉर्ब नहीं हो पाता वे, तो उनके लिए इज़ अ बेटर चॉइस कि तुम गो फॉर आइसोलेट। और मतलब वही बात है यार कि तुम ऐसे 400-500 रुपये लीटर वाला पानी पी रहे हो या फिर तुम ऐसे बिस्लेरी पी रहे हो, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है कॉन्सेंट्रेट से। मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज़ इन क्वालिटी, और ऐसे जो मतलब गेंस में मैं बोलूँगा दिस इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो देन गो फॉर दिस, अच्छा प्रोडक्ट है और नाम भी लिखा सकते हो। और इसका मैं गिव अवे करूँगा यार अभी ना, मतलब मैंने बात करी थी तो आई थिंक मुझे 3-4 बॉक्स वो दे देंगे और 4-5 मैं देखता हूँ खरीद लूँगा,
तो ऐसे 7-8-10 बॉक्स का मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं गिव अवे करूँ। ऐसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट आस्किंग, मुझे मेरी आदत नहीं यार ऐसे ना, कैसे बोलूँ मैं, मुझे ऐसे वो मांगना पसंद नहीं यार। मैं बिलीव करता हूँ मैं अपने कंटेंट से कमाऊँगा, मेरा ये नहीं है कि मुझे फॉलो करो तो ये, मैं कभी आज तक मैंने इसलिए गिव अवे करा नहीं, मतलब ऐसे सोशल मीडिया पे। और मतलब जिन जो लोग मुझे जान, जिन्हें मैंने एक्चुअली, अब मुझे नहीं पसंद यार ये चीज़ें बात भी करना ना कि मैंने किसे क्या दिया क्या दिया, जो लोग मुझे जानते हैं मुझे ज़रूरत नहीं है मतलब बेसिकली ये ना बताने की सोशल मीडिया में अपने, तो मैं अपने पास रखना चाहता हूँ, मतलब अपने तक ही मैं बात रखना चाहता हूँ। पहली बार मैं कर रहा हूँ ऐसे पब्लिकली गिव अवे, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मुझे नहीं चाहिए फॉलोअर्स, मैं अपने कंटेंट से कमाऊँगा, तभी मेहनत से कमाऊँगा मैं। अभी तक भी मैंने आज तक किसी के साथ कोलैब भी नहीं करा, कभी नहीं देखा होगा कि मैं किसी के, मैंने लिटरली साकेत, ईशान, मिहिर, जब हमने मसल रिलीज का शूट करा था, मैंने उसमें एक लिटरली एक कोई रील नहीं डाली, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया वहाँ जाके, मतलब ईजी था मेरे लिए बहुत आराम से, अगर मैं ऐसे साकेत की ऑडियंस लेना चाहूँ या किसी भी बड़े क्रिएटर में से, सारे वो बड़े क्रिएटर ही हैं, तो अगर मुझे लेना होता, बट मैंने अपने दम पे किया है अभी तक ना, और मुझे लगता है कि मैं आगे भी कर सकता हूँ। साकेत के साथ मैं कोलैब करूँगा क्योंकि कैसे बोलूँ, क्योंकि हमने प्लान करा था यार ऐसे ना तब कि भाई मिलेंगे, और ऐसे मतलब दोनों हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, और मतलब वो एक मैच नहीं करता कि हाँ कि ट्रेन करेंगे साथ में, रिकॉर्ड करेंगे और ये वो, तो तब करूँगा वो भी, मतलब कब से चल रहा है वो करना होता तो मैं कब का कर चुका था, बट मैंने सोचा यार अब करते हैं यार एक बार ना, मुझे बहुत लोग, मुझे बहुत ऐसे रिक्वेस्ट भी आती है कोलैब विद साकेत, तो मैंने कहा चलो ये करते हैं, बट मेरा कोई पर्पस नहीं है, मुझे मेरे दिमाग में नहीं है वो फॉलोअर्स या फिर सब्सक्राइबर्स वाला गेम ना, मैं नहीं बोलता कि मुझे सपोर्ट करो या वो करो, मैं मेरी अपनी मेहनत मेरी है कि हाँ कि जो यार जो भगवान ने देना होता है वो दे गई एनीवे, तो ऐसे प्लीट करके मुझे कुछ नहीं होता। इसकी मैं बात करता अवतार की एक लास्ट, मैं IHFF में गया था जब शेरू क्लासिक हुआ था, तो इनके ब्रांड मैनेजर से मिला था, तो मैंने इन्हें बोला क्योंकि ऐसे डिलीवरीज में ना मुझे भी मतलब लेट आता है, जैसे मेरा स्टैक भी इज़ नेवर ऑन टाइम, तो मैंने बोला कि अपने वेयर हाउसेज मतलब या तो तुम बनाओ या अपने नेटवर्क वो करो, तो उनका कहना था कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत फ्रेश बनता है, अगर बाकी कंपनीज़ का वे देखे ना तो एवरी कंपनी जिनकी, अब जैसे इनकी तो पराग ग्रुप है, वे इन हाउस है इनका, दे डोंट हैव टू बाय, अगर मैं एक XYZ कंपनी हूँ और मुझे प्रॉफिट करना है तो आई वोंट बाय अ फ्रेश लॉट ऑफ, मतलब जो एक लॉट आएगा ना वे का, बिकॉज दैट वुड बी एक्सपेंसिव, तो आई विल बाय समथिंग दैट इज़ 1 year old, 1.5 year old, मेरी कॉस्ट कटिंग हो जाए। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारा वे ऐसे बहुत फ्रेश होता है एंड वी प्रिपेयर फ्रेश बैचेस, तो जैसे आज बना ना वे कोई, जैसे आज फर्स्ट है, फर्स्ट ऑफ एनी मंथ है, तो आई विल गेट, तो अगर मैं ऑर्डर करूँगा ना तो जो फर्स्ट को बना हुआ है वो मेरे पास 6-7 तारीख तक आ जाएगा, मैक्सिमम 10th को आ जाएगा, जितना ये बना रहे हैं ना उतना ख़त्म हो जाता है, दैट्स वाई द प्राइजेज आर इंक्रीजिंग, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। मुझे इसलिए यही लगा कि यार इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड, मैं बोलूँगा अभी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जितने मतलब जितने भी अगर कोई प्रोडक्ट देखोगे ना XYZ कोई भी ब्रांड उठाना और उनकी पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट देखना, मतलब एक भी यार पता नहीं है, मैं बोलना नहीं चाहता ब्रांड का नाम, बट है, और इतनी बड़ी उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वे में, भाई तुमने क्या डाल रखा है, फिलर्स, इतने प्रिजर्वेटिव्स क्यों डाल रखे तुमने वे में यार, और मतलब इसमें लिटरली 4 इंग्रेडिएंट है, दैट इज़ मच बेटर, जितने कम इंग्रेडिएंट होंगे उतना बेटर प्रोडक्ट। तो मैंने एल-सिट्रोलिन एक दो बार आई थिंक छोटे छोटे बाउट्स में डिस्कस कराया था, छोटे छोटे ऐसे ना राह चलते ऐसे चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे थोड़ा बहुत बताया, अब आज सोचा कि इन डेप्थ बता दूँ थोड़ा, मेरी और थोड़ी माइक की ना मतलब थोड़ा 36 का आंकड़ा रहा है हमेशा ना कुछ कभी माइक नहीं कनेक्ट हुआ होता, कभी माइक की वायर कनेक्टेड नहीं होती, कभी बैटरी ख़त्म हो जाती है, मेरी बैटरी ख़त्म हो गई कल, मेरी मैं रिकॉर्ड कर रहा था पूरा ब्लॉग, मैंने वहीं बैठे बैठे पूरा बना दिया था, बट जब मैं एडिट करने बैठा रात में तो मैंने देखा कि भाई आधे मतलब जो मैंने पार्ट बताया जब मैंने एल-सिट्रोलिन की बात करनी शुरू करी तो तब तक बैटरी ख़त्म हो गई। बेसिकली एल-सिट्रोलिन नाइट्रिक ऑक्साइड बूस्ट करता है, वो जाके नाइट्रिक ऑक्साइड ये करती है कि वैसो डायलेट कर देती है, ब्लड वेसल्स खोल देती है बेसिकली ना, ब्लड फ्लो बहुत बढ़ जाता है, तो जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो फिर बेटर न्यूट्रिएंट डिलीवरी हो जाती है, जो पम्स हम देखते हैं कोई भी प्री वर्कआउट अगर हम देखेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्यों लेते हैं प्री वर्कआउट, एक फोकस और एक पंप, तो फोकस के लिए
कैफीन हो गया इम्पोर्टेंट, और पम्प के लिए एल-सिट्रोलिन और आर्जिनाइन का मिक्सचर हो या एल-सिट्रोलिन अलग से हो। एल-सिट्रोलिन बेटर फॉर्म है बेसिकली, बेटर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट डिलीवरी करता है एल-सिट्रोलिन। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई भी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं मसल में, तो उसमें ATP यूज़ करते हैं हम, तो एल-सिट्रोलिन बेसिकली उस कॉस्ट ऑफ ATP को कम कर देता है कि कम ATP यूज़ होगी डूइंग द सेम फंक्शन। जैसे अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, तो अगर मैं बिना एल-सिट्रोलिन के करूँ तो ज़्यादा ATP यूज़ होगी, और मैं सिट्रोलिन यूज़ करूँ तो कम ATP यूज़ होगी। बेसिकली द कॉस्ट ऑफ ATP इज़ रिड्यूस्ड। L-arginine क्यों नहीं? अब बेसिकली थोड़े साल पहले देखोगे तो सब हर प्री वर्कआउट में यार कोई भी अगर पंप, अगर मुझे अच्छा पंप चाहिए तो L-arginine होता था उसमें ना ज़्यादा, और L-citrulline कम होता था। L-citrulline तो रिसेंटली थोड़ा स्टडीज़ आई हैं तो पता लगा है, और सारे प्री वर्कआउट में भी अब देखोगे तो ज़्यादा L-citrulline पे फोकस्ड है। एक L-arginine जब हम कंज्यूम करते हैं, एक आर्जेनाइज करके एंजाइम होता है बॉडी में, तो वो L-arginine को L-ornithine में हाइड्रोलाइज कर देता है। उससे होता है क्या है कि लो प्लाज्मा आर्जेनाइन लेवल्स हो जाते हैं बॉडी में, कोई पॉइंट नहीं हुआ उसे लेने का ना, क्योंकि उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है ढंग से, वो हाइड्रोलाइज हो जा रहा है एक दूसरे अमीनो एसिड में। L-citrulline L-arginine का प्रीकर्सर है, तो वो L-arginine में कन्वर्ट हो जाता है इजीली। मैं रियल लाइफ में बोलूँ, जैसे अब ऐसे स्टडीज से मैं बता रहा हूँ, तो जब लेटर ऑन सेट्स होते हैं ना, जैसे अब मेरी फोर्थ या फिफ्थ एक्सरसाइज है, और उसमें अब मैं फेलियर हिट कर जा रहा हूँ बहुत जल्दी, तो उस टाइम पे सिट्रोलिन बहुत हेल्प करेगा, फटीग डिले कर देता है वो। तो अगर आप बिना, जैसे एक ग्रुप था ऐसे 16 लोगों का ना, तो उसमें 8 लोगों को दिया सिट्रोलिन और 8 लोगों को नहीं दिया, मतलब कंट्रोल ग्रुप था एक, एक सिट्रोलिन वाला था जिसमें वो 6 से 8 ग्राम उन्हें सिट्रोलिन दे रहे थे 60 मिनट्स प्रायर टू एक्सरसाइज। लेटर ऑन सेट्स में वो सिट्रोलिन वाला ग्रुप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, वो इजीली रेप्स कर पा रहा है विदाउट अटेनिंग फेलियर। यूरिया साइकिल में भी बहुत एसेंशियल कॉम्पोनेंट है, बेसिकली हेल्प्स इन क्लियरिंग आउट अमोनिया, एक्सेस अमोनिया फ्रॉम द बॉडी। तो आर्जिनाइन की एक सेट वो है कि 8-10 ग्राम अगर लेते हो तो डिसकम्फर्ट हो जाता है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है बहुत लोगों को ना, तो सिट्रोलिन में ऐसा सीन नहीं है। सिट्रोलिन ऐसे ऑब्जर्वड है कि 15-16 ग्राम भी अगर आप दिन का ले रहे हो, विच इज़ लाइक 3 स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट अगर मैं बोलूँ तो, मतलब जितना 3 स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट में होता है वो भी अच्छी तरह ऑब्जॉर्व हो जाता है। कोई BCAA वगैरह के साथ लेता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रांच एंड अमीनो एसिड्स, तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी बढ़ा देता है फॉर यूज़ ऑफ एनर्जी। बस यही था अब आज के लिए इतना ही, मैं बस जिम जा रहा था क्योंकि मतलब गाड़ी में चला पा रहा हूँ, ऑटोमेटिक है, सिर्फ राइट पैर से चलानी पड़ती है, लेफ्ट रेस्ट पे रख लो आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं होती।